विधायक कौन है आपका? विधायक पंकज जी है, वो तो लेडीज का बात सुनने को तैयार है नहीं, बस आते हैं फोटो खिंचवाते हैं बस चले जाते हैं। 50 गज का प्लॉट है, हमने यहीं पे खरीदा, हमारा घर तो पूरा अंदर चला गया, अब हम अपनी जान बचाएं या चोरों को देखें? यहाँ पे कोई मदद नहीं की जाती है, रात में यहाँ पे लोग चोरी करना आते हैं और हम लोग रात भर जगते रहते हैं, यहाँ कोई अधिकारी यहाँ रात में सुरक्षा के लिए नहीं आता। हमारे घर में सारे में पानी भर गया, हमारी बाथरूम और किचन सब टूट गए और हमारी दीवार फट गई। हालात खराब हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से जनता परेशान है, हालांकि उनसे बात करेंगे क्योंकि लगातार हिंदन नदी का जो तट है वो कहीं ना कहीं उसका पानी का जो स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है, घरों के अंदर पानी घुसता जा रहा है और कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं। हालांकि किस तरीके से ये लोग अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन के अधिकारी कह रहे हैं कि लगातार इनको बचाया जा रहा है, शिफ्ट कराया जा रहा है, आप यहाँ के रहने वाले हैं, क्या कह रहे हैं? बस यही है सरकार से ये अनुरोध है कि कम से कम यहाँ इस पानी की व्यवस्था करी जाए, ये गरीब आदमी हैं, इनकी व्यवस्था करी जाए, इनके मकान बैठ गए, इन्होंने अगर पैसा होता तो ये ऊपर लेते, नीचे भी लेते ही क्यों बेचारे गरीब आदमी? हर आदमी अपने बच्चे को पाल लिया और अब इन्हें बहुत लंबी इतनी परेशानी है कि घरों में पानी भर रहा है और ये बेचारे बाहर पड़े हैं और जो लड़के चोर हैं वो इनके घर में से माल लगा के ले जा रहे हैं। महिलाओं से बात करते हैं, किस तरीके की परेशानियां हो रही हैं, घरों के अंदर पानी भर चुके हैं लेकिन किस तरीके से लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। क्या नाम है आपका? समीना। समीना, क्या दिक्कत आ रही है? यहाँ पे पानी भर रहा है गली में, गली का बोल दिया कि बनाएंगे, गली बनते बनते पास हुई, गली भी नहीं बनी और पानी भर रहा है, चोर घुस रहे हैं घर में, तो ये परेशानी है, इसको करो, ये गली चल रही, मकान डूब रहे हैं सबके। आपके घर में पानी घुस गया क्या? हाँ, घुस गया, पानी घुस ही रहा है सबके घर, गली में आ जाएगा तो बचाई कितना है पानी घुसने के लिए, हैं यही समस्या है। कोई यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी कोई आया? कोई भी ना आया। आते हैं? कोई यहाँ पर नेता विधायक सांसद आया? हाँ आए। क्या आश्वासन दे रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि होगा काम, स्कूल से ही चले जाते हैं समझा के, और क्या है। मदद किसी की जा रही है यहाँ पर? कोई कुछ भी नहीं कहा, किसी की कोई मदद हो रही है नहीं, किसी की मदद नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। और यहाँ तो जिनका गरीब आदमी है उनका तो थोड़ा बहुत वो करना चाहिए, जितना। आपका कौन सा प्लॉट है? हमारा बोरा सारा नीचे ढस गया है। आपने किससे प्लॉट लिया था ये बताओ? हमने लिया संतोष डीलर से। संतोष डीलर? हाँ। कोई जो प्लॉट देने वाले लोग हैं, आपको पता नहीं था कि आप हिंदन के किनारे ले रहे हो प्लॉट, तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी? जब बताया कि नहीं आएगा पानी, जब डीलर ही इतना प्लॉट काट रहा है तो बताओ गरीब आदमी कहाँ लेगा। कितने रुपए का प्लॉट लिया? हमने लिया था जब 6 लाख रुपए का। जिस वक्त आपने ये प्लॉट लिया किसी प्रशासनिक अधिकारी ने रोकने की कोशिश की? नहीं, किसी ने नहीं कही, किसी ने न कही, चौटपुर में आ रहा है ये, यहाँ कोई नहीं, अब तो डूब क्षेत्र है, बोला था डूब क्षेत्र है, पर यहाँ कुछ ऐसा कुछ नहीं होगा जो वो होगा। रजिस्ट्री कराई थी? रजिस्ट्री बेनाम आया हमारे प्लॉट का, बेनाम आया, रजिस्ट्री भी नहीं, बेनाम कराया हमने। तो आप क्या आश्वासन दे रहे हैं जो मौके पर अधिकारी पहुंचे? जल घुस चुका है, पानी आपके घर में घुस चुका है, आप कहाँ रह रहे हैं इस समय? हम किराए पर रह रहे हैं, 3 हजार में कमरा ले रखा है। कितने गज का प्लॉट था आपका? 30 गज का। क्या नाम है, क्या दिक्कत है, सबसे मूलभूत सुविधा क्या है, क्या कमियाँ हैं, क्यों पूरी नहीं हो पा रही है कॉलोनी में? भैया ये सब तो डीलर ही जानते हैं कमी क्यों नहीं पूरी कर रहे। तुमने प्लॉट काटे तो इसे ऊंचा करके प्लॉट काटते, अब तुमने काटे जो गरीब आदमी हो, मान लो किसी के पास 2 लाख रुपए का बजट है, नहीं है उसके अवकाश बाहर मेन रोड लेने की, तो यहीं आकर लेगा ना कि सर छुपाने के लिए छत में लगे। मैंने प्लॉट खरीदा 5 लाख रुपए का, मैंने पूछा, मैंने भैया मैं किनारे पे ले रहा हूँ, पानी वानी तो नहीं आता? कह जी बिल्कुल पानी नहीं आता, पानी आ जाए तुम्हारे घर में, तुम्हारा घर बह जाए, धस जाए, तो तुम्हें प्लॉट का पैसा वापस दूंगा। कौन डीलर था? क्या नाम है? नाम मेरे याद नहीं है इनका। डीलर के यहीं रह रहे थे, यहीं पर था ऑफिस, अब है ही नहीं, अब वो यहाँ पर है नहीं। आपने भी यहीं खरीदा प्लॉट? जी 50 गज का प्लॉट है, हमने यहीं पे खरीदा, हमारा घर तो पूरा अंदर चला गया, अब हम अपनी जान बचाएं या चोरों को देखें? मकान बनाने पर चोर आ रहे हैं यहाँ पे, और किसी चीज की सुविधा नहीं है, इतने इतने पानी निकाल दिया हुआ, चोरी हो गई है, मतलब एंगल, मतलब जो बाहर बैठते हैं उसकी एंगल निकाल के चले गए हैं चोर, रात में आए वहाँ पे मछली मारने के बहाने से चोरी करते हैं, और सरकार कुछ मदद नहीं मिल रही, तो खाने पीने से इतने परेशान है लोग, बाग ये है कि ना मैं खाए कहाँ और काम क्या करे, घर देखे या काम देखे, जो मजदूरी वाला इंसान है जो 500 रुपये या 200 रुपये कमाता है
वो घर देखेगा या काम पे जाएगा या बीवी बच्चे पालेगा अपने। ड्यूटी करते हो? बिल्कुल ड्यूटी करते हैं जी। आज गए क्यों नहीं ड्यूटी? ड्यूटी नहीं गए अपना कमरे की वजह से, यहाँ एंगल निकाल ली है घर में से, आज एंगल निकाली है, कल को चोरी भी हो सकती है। मेरा सारा सामान घर में रखा है और मैं अभी कमरे पे होकर आया हूँ तो पूरी एंगल निकाल रखी है। देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं आप सुनने होंगे, सपनों का घर बनाने के लिए पूरी तरीके से जो उनके पास पूंजी थी और कहीं ना कहीं जो उनके पास पैसे थे और जो मेहनत से उन्होंने घर बनाया, सपने तो बड़े बड़े यहाँ डीलरों ने भूमाफियाओं ने दिखाए और कहीं ना कहीं वो मूलभूत सुविधा नहीं मिल पाई। लोगों का दर्द सुनने होंगे, हालांकि जो दावे किए गए थे जो भूमाफियाओं ने, और कहीं ना कहीं इस बातों को लेकर अधिकारी कहीं ना कहीं उस समय तो मेहरबान रहे, लेकिन अब जो दिक्कतें हो रही हैं लोगों को, अब जो दिक्कतें हो रही हैं, इन दिक्कतों का जिम्मेदार कौन होगा? हालांकि जिस तरीके से अब हिंदन नदी के अंदर घर लोगों ने जिन्होंने बनवाए और इन्होंने खरीदे, और कहीं ना कहीं अब जिम्मेदारी परेशानी इन लोगों को उठानी पड़ रही है। कोई यहाँ पर मौके पर आकर कोई मदद करने को सही से तैयार नहीं है। हालांकि महिलाएं भी बोल रही हैं, हर आदमी अपने दुखड़े रो रहा है और कहीं ना कहीं परेशान है, और बात करने की और कोशिश करेंगे। अब गली तोड़ दिया गया, फिर गली को भी ठीक नहीं कराया गया, गली वहीं तक स्कूल तक बना करके छोड़ दिया गया, वो गली वहां तक पास था और नाली भी वहां तक पास था, गली के नाली के बजाय पानी गली होकर बह रहा है, बच्चा स्कूल से जाने आने में हिचक रहा है, इतना पानी लग जाता है रोड पर, ड्यूटी वाले को जाने आने में दिक्कत हो रहा है, उसका बाढ़ आ गया, पूरा समर सीवर में फेन के जैसा पानी आता है। बाढ़ पहली बार आई है अब से पहले या पहले भी आई थी? हो गया यहाँ आए हुए पहली बार ये बाढ़ आई हम लोग के सामने में, तो इससे पहले बाढ़ नहीं आया हुआ था। पूरी तहस नहस गली को कर दिया गया, जो गली से नाली एकदम बढ़िया बना हुआ था, नाली को इस तरह कर दिया, हम लोग का स्लिप बना हुआ था पूरा स्लिप को तोड़वा दिया गया, लेकिन स्लिप ने बोला कि स्लिप तोड़ो हाथ का हाथ, 12 ml का सरिया देके स्लिप बना हुआ था, पूरा स्लिप को तोड़वा उड़वा करके तहस नहस कर दिया, लेकिन कोई नहीं कुछ करने आया, न गली बनवाया न कुछ किया। वोट लेने कोई आता है यहाँ पे मांगने? वोट लेने वो आता है वही पार्षद, यहाँ से कौन है? शर्मा जी है। सतेंद्र कौन है? शर्मा जी के इसमें से आते हैं वोट लेने के लिए, वही सबका ग्रुप रहता है उनका। विधायक कौन है आपका? विधायक पंकज जी है, वो तो लेडीज का बात सुनने को तैयार है नहीं है, बस आते हैं फोटो खिंचवाते हैं बस चले जाते हैं, बस और कुछ नहीं होता। आए थे कल? आए थे यहाँ पर कल? आए तो है 2-3 दिन जरूर, कौन कौन आया है नहीं पता, ये है कि बोला कोई विधायक आया है तो MP आया है, लेकिन लेडीज का फरियाद कोई नहीं सुनता है। लेडीज की फरियाद कोई नहीं सुनता। कल कौन आया था आप बताइए? यहाँ पे आए पंकज जी आए थे। पंकज जी आए थे, वो भी समझा समझू के चले गए बस ऐसे ही, क्या समाधान करेंगे इसका, इसके बारे में सोचेंगे। पंकज जी भी आए थे और महेश शर्मा जी भी आए थे, वो भी इसी बात को बोल के चले गए कि बस इसका ये समाधान करेंगे। और कोई अधिकारी यहाँ पर मौके पर आ रहा है जो क्या कह रहे हैं तहसील का हो, पटवारी हो, DM हो, SDM हो, कोई आया यहाँ पे? आते हैं सर, सिर्फ अपना फोटो खिंचाते हैं चले जाते हैं सर। यहाँ पे कोई मदद नहीं की जाती है, रात में यहाँ पे लोग चोरी करना आते हैं और हम लोग रात भर जगते रहते हैं, यहाँ कोई अधिकारी यहाँ रात में सुरक्षा के लिए नहीं आता कि रातों में चोरी हो रहा है, उसके बावजूद भी हम लोग रात भर जग जग के देखते हैं कि चोरी ना हो जाए, और पानी से अलग से परेशान हैं हम और चोरों ने अलग से परेशान। लेकिन लोगों का दर्द हम सुन रहे हैं और कहीं ना कहीं बड़ी दिक्कतें लोगों को आ रही हैं। हालाँकि मैं कुछ तस्वीरें और दिखाऊँ अपने दर्शकों को कि किस तरीके से लोग दिक्कत, देखिए वो घर बना हुआ, घर के अंदर पानी घुस चुका है, उस पानी के अंदर कहीं ना कहीं वो पानी के अंदर जो हिंदन का पानी है, जो काली एक नदी हिंदन का पानी है, उसके अंदर लोग घुसे हुए हैं, और कहीं ना कहीं अभी लोग जो हैं अपने घर खाली करने के लिए पूरी तरीके से हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं घर छोड़कर जाएं तो कहां जाएं, कहां पर वो अपना सर छुपाएं, और कहीं ना कहीं ये जो दिक्कतें हैं वो मूलभूत सुविधाएँ यहाँ पर पूरी तरीके से नहीं मिल पा रही हैं। कॉलोनी में तमाम तरीके की दिक्कत आ रही है, बिजली की भी दिक्कत आ रही है, गली की दिक्कत आ रही है, रोड पूरी तरीके से ख़राब है, और कहीं ना कहीं जिम्मेदार इस चीज़ का कौन होगा? हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो प्रतिनिधि हैं वो आते हैं, फ़ोटो खिंचाकर चले जाते हैं, लेकिन जो एक आश्वासन मिलना चाहिए वो आश्वासन पूरी तरीके से इन कॉलोनी के लोगों को, 25 फुटा के इन लोगों को या फिर अन्य इलाके के लोगों को सही से मिल नहीं पा रहा। एक महिला और है, हम उनसे बात करेंगे, क्या दिक्कत आ रही है? हमारे घर में सारे में पानी भर गया, हमारी बाथरूम और किचन सब टूट गई और हमारी दीवार फट गई, पर फर्श में आते भी पानी निकल रहा सब, हम तो घर से बेघर हो गए, हमें खाना भी ना मिल रहा, हम इतने परेशान हो रहे हैं, हम हमारे बच्चे बाल बाल छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, हम कहाँ जाएं, घर से बेघर रह गए, घर में चोरी हो रही है, हमारे घर में सामान नहीं भरे पड़े हैं, हम बता घरे रखा में या कमाने। क्या दिक्कत आ रही है?
दिक्कत हो रही सर, घर हमारे डूब गए बिल्कुल उधर नदी किनारे में, घर भी फट गए हैं, सामान भी अभी बिल्कुल उसी में पड़े है, हमारे बच्चे रोज डेली जाते हैं, रोज वहाँ पर 2 बजे भी चोरी हुआ है। घर कब खरीदा था आपने? घर खरीदे 4 साल हो गए हैं। 4 साल हो गए। हाँ। जब आपको नहीं पता था कि यहाँ पानी वानी आता है? नहीं, डीलर बोला नहीं पानी आएगा और कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। आपको क्या बोला था डीलर ने जब खरीदा था? कुछ भी ना, पानी वानी कुछ नहीं आएगा, ले और दे दिया हमें प्लाट, हमें क्या पता है, पहली बार हमने देखा है ऐसा माहौल के पानी आया है और इतनी बार डूब रहे हैं, हमारे दरवाजे पे इतना पानी है। देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं कई वर्षों से लोग यहाँ पर रह रहे हैं और कहीं ना कहीं अब तक इन्होंने ऐसा पानी आता हुआ नहीं देखा, जल स्तर कभी नहीं देखा, हिंदन में पहली बार ऐसा बाढ़ आई, कहीं ना कहीं इनको प्रभावित कर दिया और ये लोग फंसे हुए हैं। हालांकि जो आश्वासन जो डीलर थे, जो प्लॉट मालिक थे, जो जमीन मालिक थे, उन्होंने भी झूठे आश्वासन दिए और कहीं ना कहीं ये लोग अब फंस गए। अपनी पूरी पूंजी दी, हालांकि रजिस्ट्री हुई, कागज कार्रवाई हुई और जो प्रशासनिक जो अधिकारी थे वो कहीं ना कहीं कुंभकर्ण की नींद में उस समय सो रहे थे और अब कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो परेशान हैं। हालांकि अब सवाल यही है कि इसका जिम्मेदार कौन है और कब इनको मदद मिलेगी। अतुल के साथ निशांत शर्मा, न्यूज़ इंडिया, नोएडा।